granting सप्लीमेंट्री। मैं धन्यवाद दूंगा 2017 को, टेंडर जो है वो हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मैं सर मंत्री साहब से जानना चाहता हूँ, फिर सीबी स्टेशन है चगड़ा और सीबी स्टेशन है राजबाग, ये दो मुख्य हमारे सीबी स्टेशन थे जो सरकार की तरफ से पहले आश्वासन में मिला था कि जल्दी ही इसके टेंडर किए जाएंगे। मेरे दो और सीबी स्टेशन है, चगड़ा में और एक राजबाग में, इसका काम कब तक शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इससे पूरे बॉर्डर के एरिया को जो है वो पावर की सप्लाई मिल जाएगी। तो सर आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि इन दो सीबी स्टेशन का काम जो है वो कब तक शुरू हो जाएगा सर। ऑनरेबल MLA साहब ने, स्पीकर साहब, जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने MLA साहब ने ये कहा है, चकरा की बात कही है, दूसरे सीबी स्टेशन की बात की है, हम इसको देखें, क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पे इस प्रकार का जो सिचुएशन है वहाँ पर हम उसको किस तरीके से कोई कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इस प्रकार की बात आप देख रहे हैं, और चकड़ा और जो इन्होंने रेज किए हैं इसको भी देखेंगे। सप्लाई स्कीम अंडर NRDWP कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम बट नॉट बी द स्कीम वाइज डिटेल ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल अचीवमेंट एंडिंग 12/2000 कंप्लीटेड अंडर AIPP पोटेंशियल अचीव एंडिंग 3/2016 इज 1,256,2 hectare टू एड एडिशनल एरिया अंडर इट्स कमांड ए प्रोजेक्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन स्टैंड सबमिटेड टू CWC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली फॉर एन अमाउंट ऑफ उधर ये एश्योरेंस चाहूंगा कि कैन ही गिव मी ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कि कब ये स्कीम्स कंप्लीट होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर में इन्होंने रिपोर्ट दिया, देर आर अबाउट 30 स्कीम्स विच आर फंक्शनल इन कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि मेरे को एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दीजिए। दूसरा सोर्स ऑफ फंडिंग जो होगी, अभी मैं इनको श्योर करता हूँ कि इसी साल एडिशनलिटी हमें मिलती है, और मैं कोशिश करूँगा एक दो स्कीम इसी साल में और कंप्लीट करूँगा, और आने वाले साल में इनकी 50% स्कीम में कंप्लीट करूँगा। एक स्कीम है रिजर्व, वहाँ फौज बैठा है, इसलिए इस वक्त जो पानी वहाँ है वो सारा गंदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मिनिस्टर से वहाँ अगर कोई उसमें और बढ़ाएंगे जगह देंगे तो जो पानी है वो कहाँ वो ड्रेनेज का कुछ स्कीम बनाएंगे, मुझे लगता है वो पानी ठीक हो जाएंगे, अगर आप उसमें कुछ मतलब बढ़ाएंगे उस स्कीम को तो वो ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट को देना है, पर इसके अंदर में जो 700 करोड़ का इनका 2015-16 का जो प्लान था उसमें इनको 199 करोड़ आए, मीन 70% का कट लगा, और गवर्नमेंट के हिसाब में उन्होंने कहा वी हैव प्रोवाइडेड एनफ फंड्स टू यू अंडर द 14th फाइनेंस कमीशन, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट दे, इन्होंने सर कुल 50 करोड़ रुपया दिया 2015 में, तो अभी तक उस पर काम नहीं लगाया गया, और जो वाटर सप्लाई है वहाँ पे वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं मिल रही है, और उन लैंड ओनर उसको कंपनसेशन भी अभी तक नहीं मिला, जिनकी ज़मीन वहाँ पे थी वो ज़मीन वहाँ पे धुस गई है, वहाँ पे कोलैप्स हो गई है, अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला, जबकि वहाँ पे सोरज जहलम रिवर है, अगर उन वहाँ से उनको पानी दिया जाए तो वो सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। ऑनरेबल तो आपकी 3-4 स्कीमें जो है जिनका सोर्स वहां पर था उनमें टोटल पानी नहीं है, तो 8-10 हैबिटेशन थी वो है जहां पीने का एक भी कतरा पानी नहीं है, मैं आपकी वसादत से पूछना चाहता हूं क्या उस पर कोई काम हो जाएगा। कहा जो काटा लगा है हम इसको टेकअप करेंगे, सेंटर से भी करेंगे और स्टेट से भी देखेंगे कि कहां से पूरा हो सकता है उसको करेंगे। दूसरा लार्मी साहब और पार्टर साहब ने जो बात कही, इनके क्वेश्चन का जो इन्होंने कहा मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन लेकर फिर इनसे बात करूँ। स्टेट ऑफ JNK सिडको एंड सीकॉप एज अंडर 1 JNK सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट कन्मो 27 IGC लौसीपुरा 27 टोटल 50 ए में 54 प्लॉट्स की रेफरेंस दी है कि जो वैकेंट है ये कौन से वैकेंट है, जो कैंसिलेशन वाले वैकेंट है या अलॉट ही नहीं हुए किसी को।
इसमें ये जो खनमु के हैं ये है आधा कनाल से लेकर एक कनाल तक जो प्लाट है वो है, ये लैंड इन्वॉल्वेंस में 13 कनाल्स और जो अलॉटेड एंड कैंसल्ड हैं, ये अलॉटेड बट वेकेंट हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें वेकेंट प्लॉट की अलॉटमेंट जो है वो बैन कर दी है, क्योंकि वो जो धंधे वाला काम जो है वो सारा तकरीबन खत्म हो गया है। और जो अलॉट पहले से थे वो इसमें लस्सीपुरा में थे, जो 117 कनाल जो रेंजिंग लैंड है एक कनाल से दो कनाल तक, ये 19 प्लाट जो है ये कैंसिल हुए थे और 19 ही अलॉट हुए थे। एक मिनट जनाब, मैं पूछ रहा हूँ जनाब, सवाल है संभाग का जवाब आया, जम्मू संभाग का जवाब ही नहीं आया, जवाब इनकम्प्लीट है। मैं तारिक आमी साहब के जो बात है उसको सपोर्ट करता हूँ, सवाल का जवाब ही नहीं, पहले तो सप्लीमेंट्री बड़ी दूर की बात है, सवाल का जवाब ही नहीं आया है, सवाल का जवाब ही नहीं आया। जो ऑनरेबल मेंबर सारी डिमांड करें इस क्वेश्चन को डेफर किया जाए दूसरे टाइम लिस्ट कर, नो प्रॉब्लम। स्कूल से बच्चे आए हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वेरी गुड सर, जहाँ पे तल्लुक है कि हमारा एरिया जो है, आप मड़वा को देखिए, वाड़वन को देखिए, सारा रूरल छात्रों को देखिए, रूरल एरियाज और फार फ्लांग एरियाज, आज भी बिजली वहाँ पे नहीं, और लोग खास करके एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हमारे एरिया में, खुश करके इंद्रवाल में। तो जब सेक्शन की गई तो मैं आपसे एक फिगर बताना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 19,000 और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 2,400, और उसमें क्या होता है, ये भी 3 साल लगे, ठीक है, तो पुरानी सरकार ने की वक्त में सैंक्शन हुए 19,000 और 2,400, मगर सप्लीमेंट्री में हमने डिटेल्स दी हैं इनकी, इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी कि प्रपोजल क्या है और प्रपोज्ड क्या है। श्रीनगर, गांधरबल, कुपवाड़ा, बड़गाम, बांडीपुरा, शुपयान, पुलवामा, बारामूला, जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, मुझे लगता है सर इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स का ख्याल रखा गया है। इसका सर, इसका जो इसका ई टेंडरिंग सर, ई टेंडरिंग प्रोक्योरमेंट सर इस वक्त अंडर प्रोग्रेस है, इसमें जो ही ई टेंडरिंग आ जाएगी सर, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स का ख्याल रखा जाएगा। और क्या इस कह रहा है कि जो लाइट्स इंद्रवाल में सैंक्शन थे उनको शिफ्ट किया गया किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपका वो कंसर्न है। सवाल नंबर टू, बात सवाल ये है कि वी विल लुक इनटू इट, अगर सैंक्शन वो इंद्रवाल में थे तो फिर उनको पार्डर भेज दिया गया, वी विल लुक इनटू और नेसेसरी मेजर्स उठाए जाए, यहाँ बताएंगे हम उसने। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दिया है, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल दिया है, वो भी टोटल और टोटल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा, ये नाइंसाफी कब तक होगी और नहीं होनी चाहिए। मेरी सरकार ने गलती की, 19,000 एक काम इलाके में केरन, जुमगंड और करना की कुछ पत्तियां जो हैं वो अन इलेक्ट्रीफाइड है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास प्रायोरिटी है उन इलाकों को पहले सोलर लाइट देने की जहां अंधेरे में लोग हैं, जहां लेसेट फुल्ली उसको हमने वो कंप्लीट किया, कमीशन किया। यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जकेड़ा, दे हैव बिकम ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, उन्होंने लद्दाख को निग्लेक्ट किया है, ले और करगिल को, एक आपने नौकरी वहां पे एक ही आपने साफ का पोस्ट क्रिएशन नहीं किया, ये गलत हो रहा है। 100 सोलर लाइट्स जो है डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिछली सरकार में बहुत डिस्पैरिटी हुई, मैं मंत्री साहब से साहिबा से जानना चाहूंगा कि क्या इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जो नई लाइट सोलर दी जाएंगी कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्यादा से ज्यादा लाइट दी जाएंगी। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, 2,400-4,000 क्या हम कहते हैं जहां नहीं है वहां देनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो लोग गर्मियों में पहाड़ों पर जाते हैं, बहकों में जाते हैं, किसी भी तबके के हों, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या सरकार उनको प्रायोरिटी देगी सोलर लाइट्स देने में या नहीं, ये दो क्वेश्चन है सर।
चाहता हूं कि हमारा गुलाबगढ़ कंट्री मैक्सिमम एरिया जो है वो बर्फबारी वहां पे होती है, तो वहां बिजली भी नहीं है, तो ये हमारे कौन किस किस एरिया में सोलर लाइट दे रहे हैं और कब दे रहे हैं?